दोस्तों एक और नए ब्लॉग में आप लोग हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त में ड्राइविंग गुरु नवीन। देखिए दोस्तों, बहुत बार मित्रों का कमेंट आ रहा था कि गुरु जी आप लोग दिन में बैठकर क्या करते हो, स्कूल के जो ड्राइवर होते हैं वो लोग बैठकर क्या करते हैं। तो दोस्तों, जो भी हम मनोरंजन करते हैं, जो हमारा टाइम पास का साधन होता है, उसको हम ब्लॉगिंग के रूप में आप लोगों के सामने इसी चैनल पर पेश करेंगे। आज से आपको ब्लॉगिंग भी देखने को मिलेगा और साथ में रोज का ज्ञान भी कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से सपोर्ट चाहिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, रोज के तरीके से सुबह सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करके स्कूल के लिए निकल लिए हैं। टिफिन हमने ले लिया है। इस टिफिन में क्या क्या है ये आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए चलते हैं स्कूल की तरफ। देर हो रही है, फटाफट गाड़ी निकालते हैं, बच्चों को बिठाते हैं और रास्ते में आपसे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और नए ब्लॉग दोस्तों बस में आ गए हैं हम और ये देखिए बच्चे बैठने लगे हैं, बच्चों को लेकर के बैठाते हुए रास्ते में और हम अपने मंजिल की ओर रवाना हो गए। दोस्तों सुबह सुबह का एकदम ठंडा ठंडा बढ़िया बढ़िया मौसम है। ये गांव से अपने हम गांव के कच्चे पक्के रास्तों से हो करके बच्चों को लेकर के धीरे धीरे करके और स्कूल की ओर बढ़ने लगे। बच्चे छोटे होते हैं क्योंकि गाड़ी बहुत और गाँव से निकलती है, बहुत धीरे धीरे हमको चलाना होता है, संभाल कर चलाते हैं बच्चों को आराम से बिठा करके, क्योंकि स्कूल का वाहन बहुत केयरफुल होकर के ध्यान दे करके चलाना होता है, लापरवाही आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और नज़र हमेशा सामने अड़ी होनी चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सबसे जो भी गांव के लोग होते हैं वो दुआ सलाम करते हुए उनसे हम धीरे धीरे करके अपनी मंजिल की ओर रवाना होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जो भी रास्ते में बच्चे हैं धीरे धीरे करके बिठा रहे हैं। दोस्तों हमने अब लगभग सारे बच्चे बिठा लिए, सारे बच्चों को बिठा करके और हम स्कूल की तरफ निकल रहे हैं। अब देखिए रास्ते में, देखिए आपको दिखाते हैं थोड़ा रास्ते का व्यू। देखिए हरा भरा रास्ता, चारों तरफ हरियाली होती है। गाँव का रास्ता ऐसा ही होता है दोस्तों, चारों तरफ खेत एक तरफ से लगे हुए हैं, खेत ही खेत हैं और खेतों के बीच से सड़क निकली हुई है। आज बाइक वालों की भीड़ कुछ ज़्यादा रोड पर मिली, क्यों? क्योंकि दोस्तों आज पूर्णिमा है और इसी रास्ते से लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ से इस रास्ते से 10 से 12 किलोमीटर आगे जाने पर और गंगा नदी पड़ती है, वहाँ पर लोग गंगा स्नान के लिए सुबह सुबह ही निकलते हैं और सुबह सुबह ही हम स्कूल के लिए निकलते हैं। इसलिए वो लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमारे हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अक्सर पूर्णिमा के दिन सड़क पर हमको भीड़ मिल जाती है। स्कूल में आ गए हैं भाई लोग। देखिए अभी सभी मित्रों से मिलते हैं, उसके बाद कैसे हमारी मुलाकात होती है, राम जुहार होता है, सब आपको देखने को मिलेगा। ये सब बैठे हैं देखिए अभी। हाँ भाई, जय सिया राम। अरे तुमको जो ना करे यार, कपड़ा भरो, कपड़ा गंद हुआ। कहा हाल चाल है? जय जय सीताराम, जय जय समझ के लिए मिट्टी के तेल मिली। अरे डीजलो काम करिए, खबर हम सोच सबसे आधा लीटर हमें टुबले पाजो गिलास धरा है, नहीं करे हो कि झोंका जाओ। अरे नहीं करे काहे के पेप्सी के ठंडक बोतले में आओ छेद करे दो तीन, हां भर के आसे सुना के और जो देखे को वहां दे ढाई के दबाओ खुद ऊपर ये बूंद पड़ा है, एक को बूंद पड़ा तो इतनी तेज लगी है भाई, कहां हल्का पना जाए। अरे तो वंडरी कहाँ गिरा जी है यार, कहीं सका था भाई, ऊपर वाले गिरा जी, ज्यादा पानी गिरे अगर जे कमाई करे रहा था वही के धान गिरे थे भैया, सबका धान है। हाँ वही हाल भैया। अरे तुम्हें कोनो दिक्कत नहीं ना, पानी ना भरा हो खेत में, बस तोरे बात कुछ हो ही ना, गिर गए वाह वाह कहते गिरी तो भाई। असली बात तो जानवे हदबे कहाँ है ये, लेकिन क्या के का सनंदन सनत कुमार, हाँ हाँ तो ब्रह्म ऋषि हो गए। वाह यार, तीनों नाम तो लिया, सनक सनंदन सनत कुमार।
तीन नंबर बतावा था चार बतावा था तो वही मत की चार जने है कैसे नंबर बतावा सही नंबर हमको सबके नहीं पता सनत सनंदन सनातन सनत कुमार सनातन के बतौबे नहीं वे अरे तो वो एक माय जात जैसे कहीं है कि ठाकुर भाई लोग हाँ अब कह दिन राम लक्ष्मण चारो भैया होएगा सुदामा को ज्ञान था शुरू से जब मित्रता की बात भई तभी उन्होंने कहा था कि मित्रता कह तो रहे हो लेकिन मित्रता का अर्थ भी जानते हो वाह तब कृष्ण ने कहा था कि जब भी मौका पड़ेगा कहीं से भी आप तन को जो आप रोटी नहीं पाओगे ये होती है मित्रता सही बात यार और सही की परिभाषा का ही तो पता लागे रोज जाना हो वहाँ पर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए गलत है जो सोचे तब कर भाई पहले सोचबे तब तो कर देखना लेकिन दृष्टि सही रखो नजर डालो नजरिया सही रखो हाँ नजर डालो नजरिया सही रखो बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक निगाह हो तो निहार खतरनाक निगाह हो पलके नहीं बनती मिश्रा जी तो निहारे लेकिन इंडिकेटर चालू इंडिकेटर ना निहार वही चीज ना भैया बहुत जो धोखाधड़ी वाले वो थे चला जाओ क्या आप देखा होगा काम हो भाई वो चला भाई ये ही है भाई नहीं करना मत गिरी हां चलो नहीं तो फिर वो चला जाए मेरा हो खाली मां फिर भैया टाली माए पप्पा पप्पा तो वीडियोग्राफी में रहे तो पप्पा और रह के असली मंत्र तो पढ़वा नहीं वे न्यू स्टैंडर के बुढ़वे ज्यादा हरामी है जेमा इस आदमी का विशेष नाम है दांत नहीं तो यहाँ लिया तो दांत होते तो दातन काट लेते बरे तो हाथ दांत में चला गए दूसरे नंबर पर नहीं वो एक नंबर पे है हाँ ये तो लेट मा सबसे हरामी बुढ़वन में के नाम है ऊपर देखा हसत कितना जोर आ देखा नहीं 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 एक नंबर पे तू ही ना ये जेल गा नहीं ना तू तो जेल होया वा सारा क्रिया तो रे नंदर यहाँ है गुटिस वो गुटिस कम करे तू तो निहाद गुटिस करे यहाँ तो अभी आवा नहीं कौन तो अब ये ड्राइवर वह कवर खाता है जात जात भला कहके जई है यादव जी नहीं बस तो इनके नहीं आए खड़ी और क्या स्कूल में यही बड़े बस इसके नाम पे आ गए नहीं ठीक है भैया आशीर्वाद हाँ नहीं नहीं जाना है भाई जो वादा कियो हो या ज्ञानी पाड़े के नाम ऐसे थोड़ो आई ज्ञान भरा है खोपड़ी माँ और इतना इस्तेमाल एक होत है हाँ कि बारवा उड़ेगा सब बैटरी वाई लगाए है का छुट्टी
घर छोड़ के भाग है अगर फरस हो ना तो भगाई न पाई उनके ऊपर उड़ा दी हूँ अब भैया भोजन की तैयारी छोटा अखिलेश के छोटा सबके अलग अलग टिफिन अपने अपने सामने रख उठी है। चलो भाई देखो मैडम लोगों ने क्या क्या बना के दिया है इसको भी गाड़ा जाए सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं कंपनी के लोग हमारे जो जो भी आएंगे अभी आप लोगों को सब दिखाएंगे ठीक है। खाते वक्त भी बड़ा मनोरंजन होता है हमारे यहाँ है आइए देखते हैं। हाँ भैया ननके सिंह बैठ जाए से बैठ पुप नहीं बैठक नहीं स्टफनी रखी है ना यही लिए नहीं बैठक बैठक बने तो बैठ जा बन जाए तो बैठक बन जाए बैठा खतरनाक हाल है कि भैया खान जेके जब न ले हो ले लिया के बाद शुरू करा अचार ले ले अचार करौंदा के अचार लिया हो हमसे लिया उका ना लिया अरे ले लिया। अरे उनसे ना ले हम देते ही ना तू का अलग से देते है उका दिया निकाला सब्जियां यार थोड़ के निकाला या लिया लेबर सोनी तो तू से सोयाबीन की सब्जी है हां लिया सोयाबीन की सब्जी रोटी चावल सूखी है कि रसादार गुरुजी सब्जियां दी सब्जी तो है दाल लिया सब्जियां लेबा ले काहे के है हेलो सूखी सब्जी है या एमा दिया था नहीं करौंदा सब्जी नहीं सब्जी है 160 दे बलबीर सब्जी तनके मिले करौंदा सब्जी चुप तू का दे हो ले हमारे पास तो है सब हजा हज होएगा कोनो कमी हो बताइए 160 हमारे ला उनसे ले 160 दे उनका टिफिन के रुका दे दे रोटी क्या चाहिए रोटी परेठा भैया रोटी पराठा बस बस शुरू करें हां भैया शुरू करो लक्ष्मी नारायण की जय ताही भैया फिर बनाओ लागे तो बिल्ली भैया पहुंचे नहीं देह से नहीं भैया बिफ्फे का हमारे ठाकुर बताए हैं जब से हम बिफ्फाइन का सहेजे रहे थे 10 के बाद 4 के पहले लंबर सोई हाँ गुटी सोई लंबरदार जब से कहीं तब से भैया हफ्ता में एक दिन कह लिया तो ठीक है ना कह रहा था हाँ लेकिन हो ही बिफ्फाइन का गुटी आशीर्वाद दही दिना जिया रानी इतना बढ़िया दही खवाई इतना बढ़िया भोजन आत्मा तृप्त हो गए आज दोहे तू तू सब खाया तू सब नहीं आशीर्वाद महाराज जी के कब दाई देता अच्छा हमरे गुप्ता आज नहीं नहीं देते बढ़िया आशीर्वाद रोज गुप्ता राहत रहे आशीर्वाद नहीं देते हाँ दिए थी का गुप्ता राहत बढ़िया आशीर्वाद दे थी। भाई लोग अब चल दिए हैं पानी की बोतल भर लिया तैयारी हो गई घर चलने की छुट्टी का टाइम पास आ गया है दोस्तों और बच्चे आकर के अब बैठेंगे उसके पहले हमको गाड़ी में जाकर बैठना है। अरे हमारे लंबरदार मिले पैर छुआ आशीर्वाद दिया हमने और हाल चाल पूछा खुश हो गए उसके बाद मुलाकात करते हुए धीरे धीरे हम अपने गाड़ी की ओर पानी की बोतल लेकर के बढ़ते हुए क्योंकि छुट्टी का टाइम आ गया है अब बच्चे आके बैठ जाएंगे और हम लेकर के घर की ओर चल देंगे ड्यूटी हमारी कंप्लीट बच्चों को घर छोड़ेंगे बस ड्यूटी कंप्लीट ये अपनी बस में आकर बैठ गए। थोड़ी सी सजावट बस में आपको देखने को मिलेगी क्योंकि विश्वकर्मा पूजा के दिन बस की पूजा पाठ किए थे थोड़ा सा फूल वूल लगाए थे और वो भी अभी लगा हुआ है। अपनी सीट पर बैठे सीट पर बैठते हैं दोस्तों देखते हैं कि अपने झोले में थैले में खाने के लिए कुछ और नाश्ता वास्ता रखा है कि नहीं। भाई तो ये निकला एक सेब आहा बहुत बढ़िया फल कश्मीर का भैया आराम से इसको धुलते हैं और धुल के बैठे बैठे इसका स्वाद लेते हुए और बच्चे आके बैठने लगेंगे और हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करके
और तैयारी बनाएंगे चलने के लिए। ये हमने धुला धुल करके बढ़िया भाई अपने गमछे में पहुँच करके और खाना चालू कर दिए सेब को। बहुत मीठा है, मीठा मीठा स्वाद लेते हुए और बच्चों का इंतज़ार करते हुए। छुट्टी की घंटी लग गई है, बच्चे बस आने ही वाले हैं। देखिए मौसम तो आज का भी बहुत सुहावना है भैया, ठंडा है, बरसात हो रही है, पानी बगल में देखिए भरा हुआ दिख रहा होगा आपको। बरसात के बाद मौसम एकदम ठंडा है। ये बच्चे आकर बैठ गए दोस्तों, सारे बच्चे आ गए हैं गाड़ी में हमारे और हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। अब सबको बच्चों को छोड़ते हुए और घर की ओर प्रस्थान करेंगे चलने के लिए। हमारे तिवारी जी कंडक्टर साहब आ जाएं, एक बार चेक कर लें सारे बच्चे आ गए कि नहीं। गिनती पूरी होने पर हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से। निकलने के पहले दोस्तों ये ध्यान रखिए कि सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना सीट बेल्ट लगाए आपको चलना नहीं है, है ना। सीट बेल्ट अपनी सुरक्षा के लिए, आप सुरक्षित रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। विशेष तो भाई चालक तो विशेष होता है ना, चालक को पहले अपनी सुरक्षा अपनी सेफ्टी देखनी है। यह हमारे तिवारी जी कंडक्टर साहब आ गए बच्चों को चेक करते हुए कि प्रॉपर तरीके से बैठ गए हैं कि नहीं, संख्या पूरी है कि नहीं। पूरी जांच करने के बाद ये जब कहते हैं कि चलिए मिश्रा जी, तो हम भैया चल देंगे। ये धीरे धीरे करके जो बाकी बच्चे हैं वो भी आ करके गाड़ी में हमारे बैठते हुए। अब हम अपने स्कूल से घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, गेट से निकलते हुए और घर की ओर चल दे रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके सारे स्कूल की गाड़ियां जा रही हैं अपने अपने गंतव्य स्थान पे निकलती हुई। और ये एकदम सड़क के किनारे ही है हमारा स्कूल और ये बाएं साइड में हम अपने टर्न करके मेन रोड पर गाड़ी को ले आए धीरे धीरे करके और रोड पर ला करके धीरे धीरे ले करके चलते हुए। अब आगे एक मार्केट आने वाली है दोस्तों, यह पहुंच गए सलोन मार्केट में। सलोन मार्केट में हल्की फुल्की भीड़ रहती है दोस्तों। यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी इस चीज़ को नोटिस रखिए कि भीड़ में चलाते हुए हमको दो नंबर और तीन नंबर पर अपनी गाड़ी ऑपरेट करनी होती है। अगर भीड़ थोड़ी कम है, जैसे आपको कम दिख रही है मार्केट में, तो तीन नंबर पर आप गाड़ी को चलाइए, और अगर भीड़ थोड़ी ज़्यादा है तो एकदम स्लो दो नंबर में आपको चलाना है, और हल्का सा क्लच के सहारे और एक्सीलेटर के सहारे धीरे धीरे गाड़ी आपको ओवरटेक नहीं करनी है जब तक पर्याप्त जगह नहीं मिल जाती। देखिए देखिए सामने ट्रैक्टर चल रहा है, मार्केट है, तो जब तक ट्रैक्टर वाले ने पर्याप्त जगह नहीं दिया तब तक हमने ओवरटेक नहीं किया। जब उसने अपनी ट्रैक्टर एक किनारे लगाया और हमको पास दिया, पर्याप्त जगह मिली, तब हमने अपनी बस ओवरटेक करके आराम से निकाल लिया। ऐसा ही आप लोगों को भी करना है दोस्तों। कभी भी मार्केट में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ओवरटेकिंग आपको नहीं करना है, क्योंकि बड़ा वाहन आप लिए हैं, बार बार ओवरटेक इधर उधर करेंगे तो यात्रियों को प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी। बेहद पीस माइंड, मतलब ठंडे दिमाग से आपको चलना है। और देखिए सामने रोडवेज वगैरह, बाइक वगैरह जगह जगह पर भीड़ में चारों तरफ से आती हैं। यहाँ पर ये देहात की मार्केट होती है, तो इस वजह से यहाँ पर दोस्तों बहुत नॉर्मल स्पीड में गाड़ी को चलाना होता है। चलाते हुए धीरे धीरे करके हम अपने गंतव्य मार्ग की ओर आगे बढ़े तो देखिए बैटरी रिक्शों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा मिलती है। अब इस मार्केट से हम राइट टर्न होंगे और अपने गांव की तरफ की रोड पकड़ लेंगे। ठीक है, यहां से जब हम टर्न होते हैं तो हमारे गांव का रास्ता चालू हो जाता है। ये रोड सीधे हमारे गांव की तरफ 20 किलोमीटर दूर इस मार्केट से हमारा गांव पड़ता है, और वहीं अपनी बस भी हम खड़ी करते हैं गांव में ही। सारे बच्चे तब तक छोड़ जाते हैं, आखिरी स्टॉप हमारा गाँव है और वहीं पर हम ले जा करके अपनी बस को भी खड़ी करते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए आधे से ज़्यादा बच्चे हमने छोड़ दिए हैं धीरे धीरे करके, और अब गर्मी ज़्यादा लगने लगी तो हमने अपना फ़ैन भी चालू कर लिया है। दोपहर में थोड़ा गर्मी बढ़ जाती है तो फ़ैन स्टार्ट कर लेते हैं। हमने छोटा सा फ़ैन लगाया हुआ है बस में, जिससे हमको गर्मी नहीं लगती है, ठंडक महसूस होती है। देखिए बच्चे हम जगह जगह धीरे धीरे करके उतारते हुए
जहाँ पर जिसका स्टाफ होता है वहाँ पर उसको उतार करके हमारे कंडक्टर साहब ध्यान से उतारते हैं देख कर इधर, और फिर हम अपने गंतव्य की ओर चल देते हैं। ठीक है दोस्तों, गाड़ी खड़ी हो गई है, हम घर की ओर आ रहे हैं, छुट्टी हो गई है, चाबी निकाल लिया, गाड़ी अपने स्थान पर पार्किंग में लगा दी, अब सीधे अपने घर पहुँचते हैं। ठीक है, पहुँच के ड्रेस चेंज करके बहन जी के हाथ जाना है, आप लोगों को भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, जाएं हम दो निकलें। दो फटाफट निकलें। लाओ भाई लोग, चल दिए हैं बहन जी के यहाँ दोनों लोग, हम और राम भी हैं हमारे। इन्होंने कहा पापा हम भी बुआ के यहाँ घूमने चलेंगे, तो इनको भी लेके चल दिए हैं। देखिए रास्ते में है, बाइक अपनी खड़ी है और नहर के किनारे पर हम हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए रोड पर हैं, बस थोड़ी दूर आधी दूर आ गए हैं, आधा रास्ता और बचा है, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। वहाँ पहुँच कर आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हमारी बहन जी का घर, ठीक है, आज घुमाते हैं आप लोगों को भी। चलिए हमारे साथ यहाँ पर दोस्तों, एक बढ़िया सा नज़ारा है, उसको आपको देखने को लिए हम दिखाते हैं, इसीलिए खड़े हो गए कि आप लोगों को भी थोड़ा दिखा दें। बगल में नहर है और झील है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, रोड के बगल में ये नहर गई हुई है और ये बगल में झील यहाँ पर बनाई हुई है, ताकि कोई जानवर वगैरह आए तो यहीं पर अटक जाता है, इसके आगे ना जा पाए कोई भी चीज़। ठीक है, ये नहर है, ये देखिए बढ़िया सा सुंदर सा व्यू है यहाँ पर। ठीक, लोग जाल वाल लगाए हुए हैं, उस तरफ मछलियाँ उछलती हैं ना, तो उसी जाल में जाती हैं, इस वजह से एक आदमी बैठकर वहाँ मछली भी मार रहा है, मछली पकड़ने का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए मिलते हैं आगे पहुँच करके। एक न एक व्याधि बनी रहा बाबू, अरे वाह, ये तो बड़ा समझदार है। अरे भाई लोग, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से वापसी में आने का ब्लॉग नहीं बना पाए, और घर पहुंच चुके हैं हम, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया है दोस्तों, अपने कमरे में आ गए हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए दोस्तों रास्ते में हम लोगों ने एक जगह रुक के अपने राम को, बेटे को अपने चाउमीन खिलाई, उन्होंने चाउमीन खाई, लेकिन वहाँ अंधेरा हो गया था इसलिए वहाँ का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। और दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, आशा करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इसी तरह का मनोरंजक और नॉलेजफुल वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे, आप लोगों के लिए लाते रहेंगे दोस्तों, और जो मित्रों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद, जय भारत।